हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो गए। दो दिन हो गया मैंने कोई ब्लॉग नहीं डाला, थोड़ी सी बिजी थी, वैसे नहीं तो थोड़ी सी परेशान थी, तबीयत ठीक नहीं चल रही थी मेरी, मतलब ठीक ठीक थोड़ा बहुत हल्का ऊपर नीचे हो जाता है, तो वही ऊपर नीचे ही हो रखा था। अभी बज रहे हैं रात के 9 और मैं अभी अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। क्यों अभी स्टार्ट कर रही हूँ? क्योंकि ऊपर नीचे हो गया था क्योंकि थोड़ा सा बिजी थी मैं। अभी शाम को हस्बैंड चले गए ऑफिस, उसके बाद थोड़ा सा काम ज़्यादा था तो किचन विचन में सफाई वफाई कर रही थी। फिर गर्मी इतनी ज़्यादा लगती है खाना बनाते टाइम की, फिर नहाने चले गए। नहाने के बाद आई हूँ, अभी डिनर भी नहीं किया है मैंने, आज लेट हो गया मुझे डिनर करने में, भी मन नहीं कर रहा खाने का, थोड़ी सी हरासमेंट सी लग रही है इसलिए। और कपड़ा प्रेस करना है मुझे, मैं दिखाती हूँ फैला के रखे हैं, प्रेस करना है मुझे, सोचा प्रेस कर लूँ क्योंकि दिन में हस्बैंड यहाँ सोए रहते हैं तो थोड़ी सी जगह मुझे डर लगता है प्रेस करने में, कहीं कुछ हो ना जाए, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ अभी करके ख़त्म कर दूँ तो करूँगी थोड़ी देर में। अभी उसके बाद ही डिनर करूँगी, वैसे ही भूख नहीं लगी है मुझे। और यहाँ का मौसम मौसम, मतलब इस टाइम पे अगर कोई पुणे घूमने आ जाना तो उसको लगेगा जन्नत में। अब फिर भी मौसम वैसे तो रोज ही अच्छा हो रहा है, बट आज दिन में इतना अच्छा मौसम हो रखा था, बारिश हो रही थी, लाइट कट गई थी, लेकिन मौसम बहुत 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 अच्छा हो रहा है। कल रात में भी बादल ऐसे ऐसे चल रहे थे तो सब दिख रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। मौसम यहाँ पे बहुत अच्छा हो रखा है, मतलब रोमांटिक मौसम जिसको बोलते हैं वो रोमांटिक मौसम हो रखा है, कपल्स के लिए तो बहुत ही अच्छा है। तो पुणे का मौसम अब अच्छा हो रहा है, अब गर्मी जैसा कुछ भी फील नहीं हो रहा है, थोड़ा बहुत खाना बनाने में तो हल्का फुल्का होगा ही, बट गर्मी में बिल्कुल भी नहीं लग रही, इनफैक्ट ठंडी लग रही है। मैं क्या बताऊँ आप लोग को, मैं नहाने जाती हूँ तो मुझे ठंडी जैसा फील होता है, तो हमारे पानी जब आता है तो दोपहर की धूप से पानी गर्म हो जाता है टंकी का, तो मैं तो वही प्रीफर करती हूँ उसी से नहा लूँ मैं, क्योंकि मुझे ठंडी लगती है, थोड़ा तबीयत भी ऊपर नीचे चल रहा है, कभी कभी हो जाता है तो मैं तो उसे सुना लेती हूँ, कभी कभी इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है मुझे। 3 हफ्ते से मेरे पति देव, 3 हफ्ते से लौकी पालक, और उनको आजकल बहुत पसंद है मेथी, लौकी पालक मेथी पत्ता गोभी, 3 हफ्ते लेके आया हमारा लास्ट 2 हफ्ते से, ये सब उठा के लाते हैं और हर वीक यही खाना पड़ता है। मैंने बोला मुझे लेके जाया करो या फिर शिवानी को लेके जाया करो सब्जी ले जाने की, लास्ट वीक सैटरडे को बाहर लेके गए थे हमको, मैंने कहा चलो सब्जी लेने चलते, तो कहते नहीं वो काफ़ी दूर है, अरे लेके जाते तो थोड़ा इधर उधर देखने पर बहुत सारी सब्जियाँ पता चलता है क्या लेने लायक क्या नहीं, वो जाते हैं मैं पूछते क्या लेके आओ, मैंने कहा आप क्या बताओ मैं यहाँ से दिख थोड़ा रहा वहाँ क्या मिल रहा है, अपने हिसाब से जो मन कर लेते हैं तो उनको जो पसंद आता है उठा के ले आते, यही सब लेके आते हैं, यही बनाना पड़ता है, बोर हो चुके हैं खा खा के। इस हफ्ते तो मैं जाऊँगी या तो शिवानी को भेजूँगी, मैंने बोल रखा है। सारे हस्बैंड ऐसे ही होते होंगे बोरिंग से आई थिंक, क्योंकि मेरे पापा भी ऐसे ही हैं, उनको जो चीज़ पसंद होती है वही लेके आते हैं, मम्मी को जो पसंद होती है वो नहीं लाते हैं, मतलब जो उनको दिखता है जो वो खाते हैं वो लेके आते हैं। और मम्मी जैसे हमारे हैं, मेरी मम्मी को ठंडी के मौसम में चने का साग आता है, मम्मी को बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरे को भी खाते खाते मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब अगर वो बना रहता तो मैं खाना ज़्यादा खा लेती हूँ, बट पापा को नहीं पसंद, पापा कभी भी नहीं लाते चने का साग, मम्मी अगर बाई चांस मार्केट गई उनको दिख गया तो वो लेके आती है, बट पापा नहीं। मुझे लगता है ये हर हस्बैंड का होता है कि जाएंगे जो समझ में उठा के ला दो, पूछना उछना नहीं है फिर लेके नहीं जाना है, सब होता है, बट मैंने कहा अगले हफ्ते से तो नहीं होने वाला, मैं जाऊँगी खा खा के बोर हो जाती हूँ एक ही चीज़, इसीलिए तो चलिए थोड़ा सा प्रेस कर लेते हैं, प्रेस करके मिलती हूँ मैं आप लोगों से। तो फ्रेंड आ गई मैं डिनर करने, ये रहा मेरा डिनर, रोटी सब्जी और अचार लिया है मैंने। मेरा सच बोलूँ तो बिल्कुल खाने का मन नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों आज तबीयत थोड़ी सी टाइट लग रही है, आज मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा बिल्कुल भी, आज मैंने बहुत कुछ बातें दी फूलती सी, पता नहीं किसको किसको बता दी, किस पर बिल्कुल हो रहा है कहीं बताना चाहिए था। कभी कभी पता नहीं दिमाग में क्या आता है, इंसान किसी से कुछ भी बोल देता है, मैंने भी बोल दिया। आज मैच था इंडिया और न्यूजीलैंड का, जो कि बारिश की वजह से रद्द हो चुका है, और मैच रहता तो थोड़ा एटलीस्ट उसमें इंटरेस्ट आता तो देखती मैं, पता नहीं क्यों एकदम बिल्कुल अच्छा नहीं फील हो रहा है, बोलते हैं ना
अच्छा वाला फीलिंग अंदर से नहीं आ रहा, वो अभी पता नहीं क्यों मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, मैं अपने आप को भी अच्छा फील नहीं कर पा रही हूँ। मैं मेरे पास थर्मामीटर है, मैंने बुखार चेक किया तो बुखार तो नहीं है, 98.9 है, 98.94 है, ये तो शायद नॉर्मल टेम्परेचर होता है, 100 से ऊपर होता तो शायद बुखार होता है, तो नहीं है, बट फील अच्छा नहीं हो रहा है मुझे, क्यों नहीं हो रहा है ये मुझे नहीं पता, बस अच्छा फील नहीं हो रहा है, तो मुझे गर्म गर्म सा फील हो रहा है, बट बुखार तो है नहीं, टेम्परेचर तो मैंने बता दिया आप लोग को 98.7 था। अभी एक वीक हुआ है मैंने थर्मामीटर मंगा लिया, क्योंकि रहते रहते मुझे फील होता था बुखार जैसा, तो मम्मी ने सजेशन दिया था मंगा के रख लो, कभी कभी बहम हो जाता है उसकी वजह से भी होता है, तो मैंने मंगा के रख लिया। ले रहा मेरा खाना, मेरा खाने का मन नहीं कर रहा है, बट एक तो रोटी खानी पड़ेगी यार, जीना है तो खाना पड़ेगा, पता नहीं क्यों अच्छा नहीं फील हो रहा मेरे को। और मैं कपड़ा प्रेस कर रही थी, एक दो कपड़ा प्रेस किया मैंने रख दिया, क्योंकि जो होता है ना नहीं हो रहा है, नहीं हो पा रहा था, लग रहा था कहीं मैं जला वाला ना दूँ, इसलिए मैंने रख दिया, सुबह ही करूँगी अब मैं, देखते हैं कल का मूड कैसे होता है। खा लिया मैंने खाना, दो रोटी खाई है, एक्चुअली खाने से पहले मेरा एकदम मन नहीं कर रहा था, पता नहीं मैंने बता रखा था, तो मैंने अपने हस्बैंड को कॉल किया, मेरे को बात करने का मन कर रहा था, पता नहीं क्यों मैंने उनको कॉल किया, तो मैंने बोला मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, पता नहीं क्यों, एक मिनट, मैंने उनको बोला मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, पता नहीं क्यों आज उपसा फील हो रहा है, फीवर भी नहीं है लेकिन फीवर तो फील हो रहा है, टेम्परेचर चेक किया था ऐसे 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 है, तो आज मेरे को बात करना है, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैंने उनसे बात की, मैंने बोला खाना ला के रखी हूँ, खाने का मन नहीं कर रहा है, तो बोलते हैं ठीक है फिर कल मैं ठीक है फिर मॉर्निंग में मैं टिफिन लेके आऊँगा तो साथ में मिल के खाएंगे। मैंने कहा है क्यों, तो कहते हैं अब आप नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं, इमोशनल अत्याचार जिसको बोलते हैं, अब आप नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा, मैं कह रहे हैं मैं खाने जा रही हूँ मजबूरी में खाना है, कहते हाँ खा के बताना कितना रोटी खाई उतना ही मैं भी खाऊंगा। मैंने कहा ये तो पागल बने, मैं आपकी इक्वल तो नहीं खा सकती हूँ, हाँ नहीं तो उनको ऑफिस लेके जाना होता है, फ्रेंड में बांटना बांटना होता है तो जाता देती हूँ, मैं खाऊ तो नहीं खाऊंगी, पागल बने। तो खाया मैंने, दो रोटी खाया एक रोटी छोड़ दिया, सब्जी अच्छी बनी थी, आलू पालक की थी, लेकिन अगर आलू पालक की सब्जी में सूखी सब्जी में अगर बैगन डाल दो तो ज़्यादा टेस्टी बनती है, बट मेरे पास बैगन नहीं था तो बिना बैगन का ही मैंने बनाया था, अच्छी बनी थी सब्जी, अच्छी बनी थी लेकिन ना, लेकिन मैं अचार के साथ खाई, पता नहीं अचार आज खाने का मन किया तो अचार लेके खाएंगा। तो ये था मेरा रात का, अभी मुझे सोना है लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही है, पता नहीं क्यों मुझे तो फील हो रहा थोड़ा थोड़ा सा गर्म गर्म। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, अभी मैं सो के उठी हूँ और मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि मेरी ननद सो रही थी और बज रहा होगा 10 बज रहा होगा और मुझे बहुत बड़ा वाला सरप्राइज़ मिला है, दिखाती हूँ आप लोग को। ये देखिए मेरा हस्बैंड ने खुद से बनाया दाल चावल, मुझे बिल्कुल पता नहीं चला, एक्चुअली मैं बताई थी ना मैं ठीक फील नहीं कर रही तो मैं काफ़ी लेट तक सोती रह गई, तो उन्होंने बनाया एकदम बड़ा वाला सरप्राइज़ देगा, मैं बहुत खुश हो गई, बहुत ज़्यादा खुश। तो ये मैं लेके जा रही हूँ हम दोनों के खाने के लिए और ये ब्लॉग की एंडिंग भी यही कर रही हूँ, अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ मेरे हस्बैंड के लिए लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसा हस्बैंड सबको नहीं मिलता।